नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इस बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्या कोई एक्टर बिना सिक्स पैक एब बनाए हुए सफल हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुराने हमारे जितने भी कलाकार हुए, चाहे वो जितेंद्र हो, राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, संजीव कुमार हो, दिलीप कुमार हो, राज कपूर हो, जितने भी ग्रेट एक्टर्स हुए, उन्होंने कभी भी अपने फिजिक पे उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब कभी अपनी बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दिया, कभी भी सिक्स पैक एब पे ध्यान नहीं दिया। वो केवल अपनी एक्टिंग पे कंसंट्रेट करते थे और अपने अभिनय से ही लोगों का दिल जीतते थे। लेकिन दोस्तों 2000 के बाद में ऐसा देखा गया कि जितने भी नए कलाकार आए वो सब के सब सिक्स पैक एब पे डिपेंड हो गए, और उस समय का जो युवा वर्ग है वो भी ये चाहता था कि उनका हीरो काफी फिट दिखे, काफी उनकी बॉडी स्ट्रांग दिखे, सिक्स पैक एब दिखे। तो दोस्तों इस लिस्ट के अंदर सलमान खान, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, हृतिक रोशन, विद्युत जामवाल, जितने भी कलाकार हैं सभी ने अच्छी फिजिक बनाई, सिक्स पैक एब बनाए और जबरदस्त एक्शन सीन किए और काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन दोस्तों अभिषेक बच्चन ने कभी भी सिक्स पैक एब नहीं बनाए, क्यों? फिर भी वो सफल है, आज वो अच्छे कलाकार माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी बात के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे एक्टर है तो आपको सिक्स पैक एब की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अभिषेक बच्चन से भी ये सवाल पूछा गया था कि आपने कभी भी सिक्स पैक एब नहीं बनाए, कभी भी अपनी फिजिक पे उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि बाकी कलाकार वो इस पे बहुत ध्यान देते हैं, सिक्स पैक एब बनाते हैं, आपने क्यों नहीं किया? तो दोस्तों अभिषेक बच्चन ने जवाब दिया था कि मुझे अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर मिला नहीं कि जिसमें सिक्स पैक एब की जरूरत हो। और जहां तक आप अपनी एक्टिंग पर ध्यान दे रहे, अपने कैरेक्टर पर ध्यान दे रहे, वहां तक आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों उनका कहना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मेगा स्टार, मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन ने कभी भी सिक्स पैक एब नहीं बनाए, कभी भी सिक्स पैक एब में वो नहीं आए। लेकिन दोस्तों जब वो एक्शन सीन करते थे तो एक्शन उनकी आंखों से नजर आता था, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से नजर आता था, और दर्शकों को ये लगता था कि ये आदमी 15-20 लोगों को अकेला पीट सकता है। तो दोस्तों यही बात है। अब आप अभिषेक बच्चन को देख लीजिए, अभिषेक बच्चन ने युवा में ललन सिंह का किरदार किया था, एकदम गुस्सेल, बात बात पे लड़ने वाला, बात बात पे मरने मारने को तैयार रहने वाले युवा के रोल में थे वो। उन्होंने कोई बॉडी वगैरह नहीं बनाई थी, लेकिन दोस्तों उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी जो आंखों में जो गुस्सा था वो नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा था, लग रहा था कि ये व्यक्ति किसी को भी पीट सकता है इस समय। तो दोस्तों दरअसल मैं यही कहना चाहता हूँ कि केवल सिक्स पैक एप बनाने से आप अच्छे एक्टर नहीं हो जाते हो। अच्छा एक्टर होगा, अच्छे एक्टर आप कहलाए जाओगे यदि आप अच्छी एक्टिंग करते हो। अगर आप कैरेक्टर में घुसते हो, कैरेक्टर को सही तरीके से प्ले करते हो, तो वो ज्यादा बेटर है सिक्स पैक एब बनाने से। हाँ, अगर कहानी की डिमांड, स्क्रिप्ट की डिमांड, आपके कैरेक्टर की डिमांड है कि आपको बॉडी शो करनी है, आपके सिक्स पैक होने चाहिए, तो दोस्तों आपको जरूर उस समय उस लुक में आने के लिए आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभिषेक बच्चन शायद एक ऐसे कलाकार है जो बिना सिक्स पैक एब बनाए भी आज के जितने भी कलाकार है उनसे एक्टिंग के मामले में काफी आगे नजर आते हैं। दोस्तों इसी का उदाहरण देता हूँ आपको, संजीव कुमार, एक लेजेंडरी एक्टर थे संजीव कुमार। दोस्तों उन्होंने कभी भी अपनी फिजिक पे ध्यान नहीं दिया, आप उनकी फिल्में देखिए, कभी भी फिजिक पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों उनके जैसा एक्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है, उनकी एक्टिंग थी वो इतनी नेचुरल हुआ करती थी कि देखते आप हुआ हुआ कर उठते थे। तो दोस्तों पता नहीं आजकल के कलाकार सबके सब सिक्स पैक के पीछे पड़े हुए, शर्टलेस होकर के अपनी बॉडी शो करने में लगे हुए, एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे। अरे भाई, एक्शन आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर आपकी एक्टिंग में दम है तो आप बिना सिक्स पैक एब के भी शानदार एक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा तो ये कहना है कि सभी कलाकार अपनी नेचुरल एक्टिंग पे ध्यान दें, ना कि सिक्स पैक एब बनाने पर, जैसा कि अभिषेक बच्चन कर रहे हैं, आजकल नए नए रोल कर रहे हैं और बड़े ही नेचुरली तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या विचार है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।